संवेदनाओं के पहिए पर एक कोमल सी आस है, परछाइयों की दौड़ में रिश्तों की रफ्तार है, मुश्किलों को पछाड़ हार से लड़ने का ऐलान है, संघर्षों से कदम ताल कर आज एक पिता उम्मीद से है। किसी ने सच ही कहा कि जब तस्वीरें खुद बोल रही हो तो आपका बोलना फिजूल है। लेकिन दिलो दिमाग में उतर जाने वाली यह हकीकत दरअसल किन मायनों से ताल्लुक रखती है, इसके बारे में यकीनन हर शख्स जानना चाहेगा कि कौन है ये शख्स जो मुफलिसी को मात देकर इस कदर परवरिश का नाज उठा रहा है। जिंदगी के पेचो खम को ढोता बबलू पिछले कई सालों से भरतपुर में रिक्शा चला रहा है। कुछ साल पहले शादी हुई, लेकिन बीवी इस मासूम को जन्म देने के बाद बीमारी से लड़ते लड़ते चल बसी। पूछने पर बताता है कि गरीबी ने इसकी जीवन संगिनी का खून चूस लिया, और भी बहुत सारी मुश्किलें हैं जिसकी वजह से महज एक महीने की मासूम को गले में टांगे ये रिक्शा चला रहा है। लेकिन ये हारेगा नहीं, इसे तो हर हाल में अपनी फूल सी लाडो का ख्याल रखना है। दिन की इसकी माँ इसको छोड़कर चली गई 20 तारीख को, जब से मैं ही इसका पालन पोषण कर रहा हूँ। घर तो मैं छोड़ नहीं सकता, कोई है नहीं है मेरे पास में करने वाला। जो बड़ी हो जाएगी इसके स्कूल ही भेजूंगा, पढ़ाऊंगा भी लिखाऊंगा भी, पूरी जिम्मेदारी उठा रहा हूँ मैं। अपनी बेटी को बेहतर परवरिश देने की सोच यकीनन मिसाल पेश करती इस तस्वीर को मुकम्मल करती है, और इसे देखने वालों के जहन में सिर्फ एक ही लफ्ज गूंजता है कि वाकई ये पिता उम्मीद से है। संजीव कुंतल, पल्स राजस्थान, भरतपुर।